भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त के आदेश के बाद स्वच्छता मुहिम भिवंडी शहर में जोरों शोरों से चलाई गई। विशेष तौर पर रैली निकालकर स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भिवंडी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक की, जहां पर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 105 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके उद्देश्य शहर की स्वच्छता, कचरा और प्लास्टिक मुक्त भिवंडी, शहर की सुंदरता पर नागरिकों में जागरूकता पैदा करना और भिवंडी शहर में कचरे की जो अंबार लगे रहते हैं उससे छटाई करना। इस बीच आपको बता दें कि सोमवार की सुबह कुंबलपाड़ा में गाजंगी हॉल में आयोजन किया गया था स्वच्छ संरक्षण 2024, जिसमें मुख्य तौर पर भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगली की उपस्थिति देखने को मिली। इस बीच आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त के दिशा निर्देश पर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक एक भव्य रैली निकाली गई। वहीं नाना नानी पार्क में पौधा रोपण के कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में आपको बता दें कि महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। जहां आपको बता दें कि नाना नानी पार्क में वृक्षरोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नगर पालिका द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक एक भव्य रैली निकाली गई, जिसमें भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के भारी संख्या में विद्यार्थी भी मौजूद थे। इस बीच आपको बता दें कि महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद, विधायक महेश चौगले, उनके साथ में अतिरिक्त आयुक्त ओमकार दिवटे, नैना ससाने, फैसल तातली, सचिन नाइक, संदीप पटनावर, नीलेश संके, सुदाम जादव, जयम सोनोने, मिलिन पंसुले के साथ में कई अधिकारी कर्मचारी इस स्वच्छता अभियान में मौजूद थे। विशेष तौर पर आपको बता दें कि महानगर पालिका के आयुक्त ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए शहर के नागरिकों से इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले इस तरह का आह्वान करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। आपण जी स्वच्छता ही सेवा जो पंधरावडा सुरू केला 17 सप्टेंबरपासून ते 1 ऑक्टोबरपर्यंत, त्या अंतर्गत हा संपूर्ण आपण स्वच्छता रॅली या शहरात काढलेले जनजागृती होण्यासाठी, त्याचप्रमाणे आज आपण एक पेड़ माँ के नाम हा अभिनव उपक्रम सुरू केलेला आहे। आपल्या आईच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आपण एक झाड लावायचं आहे, त्या झाडाची निगा संगीपणा सगळे आपण बघायचे आहे। यासाठी महापालिका आपल्याला आवश्यक ती मदत करेल। आपण जवळपास 150 वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे कार्यक्रम आपण या दरम्यान 15 दिवसात घेत आहोत आणि याची सांगता 2 ऑक्टोबरला महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी होईल। धन्यवाद।